राम नाम का लूट बा लूट सका लूट अंत काल पछताई बाप जब जाए परन वाछू जी ई लइकन के नहलावे के बा त तलावा में जाके नहलाए दे ना साबुन के पैसा त दे दो बौर आ गई है का ई चार चार लड़कन के साबुन से नहलाऊ हां हम त बौर आ गई है तगरन के कैसे नहलाई हम कैसे नहलाईला अरे तलावा का माटी इनके दहिया पर रगड़ दे फिर जहां जाए पत्थरवा घसर 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 दे चमक उठिया ससुरा हां हां चमक जई है करन के दहिया ने छिल जाई का अरे दहिया छिल जाई त नीम और भंगरैया पीस के लगा दे पर साबुन का आदत मत डाल वैसे भी साबुन से कोनो फर्क नहीं पड़ेगा एकरा बाप को नहीं पड़ा तो इनका का पड़ेगा आरती चला तो हमका पूजा करा दे चल जा रे चल चल मोहनी मुरतिया सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया सावरी सुरतिया जन जन के प्रभु तू हो मन बसिया जन जन के प्रभु तू हो मन बसिया चरण में करे जय जयकारे सबके जिया का हाल तू जाना सबके जिया का हाल तू जाना बिगड़ी बनैया हो प्रभु जी तू ही राम रमैया हो प्रभु जी तू ही किसन कन्हैया हो किसन कन्हैया जय जय राम रमैया जय जय 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 किसन कन्हैया जय जय राम एक मन बोले ला तू दीन दयाला एक मन बोले ला तू दीन दयाला एक मन बोले ला तू दुख वक देला जेके सुख देला जेके सुख देला धन मान भर देला कितनी जिंदगिया के सुनी कर देला फिर भी तू विश्वास हो हमरा फिर भी तू विश्वास हो हमरा उद्धार करैया हो
ही राम रमैया हो, प्रभु जी तू ही किसन कन्हैया हो। प्रभु जी तू ही राम रमैया हो, प्रभु जी तू ही किसन कन्हैया हो। नंदू, तू कहो पूरे मन से पूजा ना करेला। आधा मन तोहार मंदिर में रहेला और आधा उधर बीबी बच्चन में। देखिए भगवानो भी तोहरा के आधा ही मिली है। नकरा में उंगली कर ले या प्रसाद खा ले। ठीक है, हम नाक में उंगली कर लेते। हट पागल। तोहरा के फलो भी आधा मिली और मुक्ति भी आधा मिली। आधा दे स्वरक में लटकी और आधा नरक में। का है गोपी, हमार माई कहत रहलिन के जे परिवार का सेवा करला भगवान ओकरा पर खुश रहला। अब तू कहत बाड़ा कि भगवान के सेवा करे से भगवान खुश रहला। अब ससुरा हमरा समझ में ई नहीं आवता कि हमार माई सही रहली कि तू सही बाड़ा। यह असमंजस में हम दोनों का इतिहास गोड़ मारीला। अरे गोपी बेटा जी पंडित जी, तू तो बहुत अच्छा भजन गावला। तोहार भजन सुन के तसगरे मंदिर कृष्णमयी हो गइल बा। आ गईला पूजा पाठ करके, हो गईल भगवान के दर्शन, सगे बाप और सौतेली माई के मौत के वरदान मांग लेला। कैसन बात कहताड़ू माई, हम रउर मौत के वरदान मांगब का? तो हमरा खातिर कोनो राजपाट मांगे मंदिर जाला का? माई अगर हमार मांगे से भगवान दे देवे तो जरूर मांगब। आपन सगी माई खातिर मांगे रहेला जोन हमार खातिर मंगबा? रउआ तो जानत बानी हम रउआ के सौतेल माई ना ही मानीला। अरे माना, तू हमके सौतेली माई माना, सगी माई मनबा तो तोहर माई जैसन हम हूँ मरमरा जाईब। अरे सबेरे सबेरे काहे निकम्मा से उलझ गेलू, एकरा के घर परिवार का परवाह नहीं, एकर जिंदगी त भजन कविता लिखे में ही बीत जाई। 22 साल का हो गेल बा, अभिन तक ही नहीं जानत के हलमा फार केहर होत बा और मुठ केहर। तू काहे निकम्मा के ताना मार के अपन मुंह खराब करता डू? मुंह खराब न करी तो ई बनचर कोनो दिन कमंडल उठाई और संन्यास ले लई, फिर एकरे वियोग मा तू छाती पिटत रही जाईबा। हाय हमार लड़का, हाय हमार लड़का। मुन्ना ला प्रसादी। ए गोपिया, हमार बेटवा के तू प्रसाद ना दे, हमें एकरा के सन्यासी ना ही बनावे के बा। और एक बात सुन ला, ई मुफ्त की रोटी तोड़े से काम ना चली, घर में रह के बात काम करे के पड़ी। दादी ले जाए द बिटुआ। और कब तलक तू ताना और बद्दुआ सुनबा? अब कहा करे दादी, हमके दुनियादारी रास नहीं आवत। हल बैल खेत खलियान घर द्वार हमरे समझ में नहीं आवत दादी। लेकिन ई दुनियादारी से दूर रह के ई दुनिया में रह भी तो मुश्किल बा। अब तू जवान हो गईला, नाना लेकिन जैसन तो के डांट खात हमरा से देखा नहीं जात। हमार कलेजा फाटत है रे, फाटत है। बेटा हमार जिंदगी के दिन अब उंगलियन पर आ गईल बा। कबहू आंख बंद हो जाई, कबहू सांस रुक जाए। नहीं दादी, ऐसन काहे कहता नहीं, ऐसन रउआर हमार उम्र लग जाए। हमार उम्र, हमार उम्र। हमरा की तो हर उम्र नहीं, तो हर खुशी चाहिए। हम तो हर दादी बानी, लेकिन तोहके माई जैसन पाले ही पोसे, तोहरे खातिर एगो माई जैसन सपना देखत बानी। दादी माँ, रहु हमार खातिर जे सपना देख ले बाड़ू, इस सपना टूट जाए तो ही ठीक। तका तू अपन घर ना बसावा चाहता रे? दादी माँ, रउआ ई चाहता नहीं कि जौन लड़की के हम आपन जीवन में शामिल करें ओकरो जीवन बर्बाद कर दें। तका सारा जीवन कविता
और भजन में गुजार देबा। बेटा हम मानत बानी कि तोहार माई और तोहरे बीच जौन कड़वाट बा वो कम ना होखे वाला, दिन ब दिन बढ़बे करी। हमार बाबूजी हमके 25 बीघा जमीन दे के चल गए ले, वो हम तोहरे नाम कह दे थे, बिहा कह के तू ही चाहिए रहा। दादी माँ करौआ ई चाहता नहीं कि हम आपन गृहस्थी बसावे खातिर माई बाबूजी से अलग हो जाई। तो तू का करबा, जिंदगी भर धुतकार और तिरस्कार का जीवन जेबा। अब का करी दादी, जब हमार भागे में ई लिखल बा। तो ठीक बा, जा जाके मना कह दे, बोल दा कि तू ब्याह ना करे चाहेला। हम ही बात कर ले, हमें से गलती हो गई, जे हम उनके जबान दे दे ले। दादी ई सोच के कि ऊ लड़की तुहें तो नीक लागी। करत का बा? भाई देखा, सबके देवे खातिर नौकरी तो हमरी सरकार के पास बाय नहीं, ठीक ठाक खेती बाड़ी तो हैये बा, और ई सूखे बाढ़ का प्रकोप ना होते अच्छा खासा अनाज भी पैदा हो जात बा। मतलब लईका खेती बाड़ी करत बा? लईका कुछो नहीं करत भौजी, हल तक तो चलावे नहीं आवत होके दिन रात कविता पाठ करत बा। तू चुप रहा, तू चुप रहा, कहा 24 घंटा खेत में हल और फावड़ा चलावे के ही काम के काम कहा जात बा। अच्छा लड़का बा, और जिम्मेवारी आई तो काम भी कई ली। आज काल बढ़िया लड़का मिलब आसान बात ना बाड़े, बिटिया जवान हो गई हो। बड़े भैया एक कौन कहलस की जवानी आवे पे शादी कर देवे के चाही, हमरा पर भी तो जवानी आई, हम तो ब्याह ना कई लेली। देखा भौजी, बिटिया का ब्याह जरूर कहल जाए, लेकिन दामाद हमके अच्छा और जिम्मेदार चाही। लईका यहाँ आवत बा, ढोक बजाए के देखिया। हसत रे बड़कुआ, ननकुआ के नगर। अरे गोपी, बोला नंदू, सुना था ही तू आ रहा जाता रे, तोहे कैसे पता? अरे पूरे गांव में चर्चा है भाई कि तू ब्याह करत दाड़े, एक खातिर तू लड़की देखे जाता रे। ब्याह खातिर नहीं भाई, ब्याह से मना करे जाता नहीं। काहे लड़की लूली लंगड़ी बा के दहेज कम मिलता? हमके ब्याह नहीं करे के बा। तू जवानी में ब्याह मना करत बाड़ा? अरे तू नहीं भूजत बाड़ा, एक बार जिंदगी में जब मेहरारू आ जाला तो का मजा आवेला, दिन हसीन और रात रंगीन हो जाला भाई। अगर सरकार हमका खुली छूट दे ना तो 4 मेहरारू और लेके आई, हमका मेहरारू और लड़कियन का फौज बहुत नीक लागेला भाई। तोहरा के केहू रोके वाला नहीं बा, लेकिन हमरी तो एक एक सांस माँ एक एक बात पे पहरा लगाए रे, काहे कि हमार भाग तो हमार माई बाबूजी लिखले बाड़े, और वही लिखले बाड़े जेमे उनकर फायदा हुई। और नंदू जब हम अपने घर में पराए जैसन बानी तो वो तो पराए घर से आईबे करी, ओकरे संगे न जाने काका होई भगवान ही जाने। अरे गोपी एक बार ठंडे दिमाग से और सोच ले भाई, ऐसे गाँव जवार में लड़की की कमी बा, कहीं ऐसा न हो जब तहार मन हो तब कोनो लड़की है न मिले। भगवान करे हमके कोनो लड़की ना मिले। ए लच्छी, तो हमार कपड़ा के निचोड़ निचोड़ के काहे धोवालू, हमार धोती और कुर्ता दोनों मसक गइल बा। वहाँ घाट पे निचोड़े खातिर होते काबा? तका तोहरा के हमारी ये कपड़ा मिलत बा। गाँव वालन के कथरी रजाई निचोड़ी ब्रह्मचारी बाबू, तुहर कपड़ा पटक पटक के धोवे मा और दवाई के निचोड़े मा जोन मजा आवता वो कोनो और मा कहा बुझला। जानुमान के अनुगुण सुने जी, ललन बाबू का घर बा?
हाँ हम लल्लन बाबू का छोट भाई ब्रह्मचारी बने पाए लगी जियत रहा तू के है जी हमार नाम गोपी बा दानापुर से आयल बानी ओ शांति बुआ भेज ली हाँ जी वो हमार दादी बाड़े न अच्छा तो तू बड़े कविता लेखक भजन गवैया जैके बड़के भैया दामाद बनावे खातिर पसंद कैली हाँ हमार बिटिया जितनी खूबसूरत बा उतनी होकर तकदीर खराब बा जी रहुआ कछु कहनी अरे कुछ ना है तहार कान बाजल होए बड़के भैया भाऊजी देखा तक के आयल हो शांति बुआ के यहाँ से तहार होखे वाला दामाद आयल बा आवा आवा हाँ। देखा पाई लागी जी अच्छा बिटवा हम तोहरा के तो देखले ना रहली तोहरे दादी के कहे से हमें रिश्ता खातिर हाँ कर देली अरे बैठा था पहले हाँ, बैठा, 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 बैठा बिटिया तनी पानी ले आवा जी बाऊजी भाई जब ही से तोह से रिश्ता खातिर हाँ कैले हैं ई घर में तोहका लेके टीका टिप्पणी होता रे कि तू निकम्मा बाड़ा काम धंधा नहीं करत बाड़ा केहू कहता रे संन्यास लेबे के चाहत बा कविता भजन मा डूबे रहत बा बेटवा देखे में तो ठीक है ठाक बाड़ा फिर ई विकृत बीमारी तोहके कहवा से लग गई ले अरे बिटवा कहाँ खो गईला ना 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 जी हम सन्यासी बनने का ना चाहिए बस सुबह शाम पूजा पाठ क्यों करेला वो तो सब क्यों करेला और सबके करे के भी चाहिए रहूगा कि बेटी के हम खूब खुश रखा ब्याह के बाद पूजा पाठ बंद कर दे बस खाली काम काज करो हम जाना थे कि ये बात भगवान के भी ठीक ना लगत कि सब जने दुनियादारी छोड़ के उनके शरण में बैठ जाए और हम ऐसा कोनो काम ना करब जे रघुवर के पसंद ना होए हुई गवा तू बोलत समय सांस नहीं खा लेत का बाप रे बोला तू बाड़ा फेफड़ा हमार उछलत बा जी आगे से आराम से बोलब कविता भी ऐसे ही पढ़त बाड़ा ना ना वो तो हम बड़ा सलीका से पढ़त बानी पढ़ के सुनाई हाँ हाँ तो हर ई इच्छा बा त आपन भड़ास निकाल ला हमहू के पता चल जाए तो हर काबिलियत का बा जी काहे नहीं ध्यान दिया जाए धन्य वह देश जहाँ बांसुरी ने जन्म लियो धन्य वह घड़ी जो शाम हाथ आई थी धन्य वह गोपियाँ जो शाम संग खेली थी धन्य वह रात जब कृष्ण संग रास कियो गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी एक हाथ आंजो एक आंजो ने पाई थी थोड़ो रहो शाम तुम्हें नंद की दुहाई नीक बांसुरी बजाओ जैसी वादना बजाई थी हाँ हाँ कविता तो ठीक है बा लेकिन कविता का खेती कह के आदमी घर नहीं चला सका तू चुप रहा लेकिन तू चुप रहा तू चला हमारे साथ बाजार बेटवा खाना साथ में खाए जी हाँ चला हाँ चले चल आ चल बिटिया जी सुनो बिटिया जब माई बाबू के कमरा में पहुँचा दे आवे चली जा बिटवा तनिक आराम कर ला ये राउर का कमरा बा आराम करी कौनो चीज के जरूरत पड़े तो हम के आवाज दे दी है हाँ हमार नाम आंचल बा अच्छा तुम चलो तानी सुना वो तुहार दीदी कहाँ बा दीदी से काम बा नहीं नहीं कौनो बात नहीं बस ऐसे ही का तुहार दीदी बड़ा सुंदर भी है अरे बाप रे ऐसा ना बोली उनके नजर लग जाए हम अभी जाई के ठिठोना लगावत वानी दीदी तोहार होके वाला दूल्हा तोरे पे फिदा हो गइल बा तनी दूरे रहिया कहूं बियाह से पहले तोके दबोच ना ले चल हर बदमाश राधा दरवाजे के पीछे काहे खड़ी बाड़ो भीतरे आवा ना रउआ के कैसे पता चलल कि दरवाजे के पीछे हम बानी तुहार चूड़ियन की खनक बतावतिया चूड़ियां तो आंचल के हाथ में भी बा हाँ लेकिन उ हमार खातिर त ना खन की हमार चूड़ियां तुहार खातिर खन की ई के कहलस
हमार मन ने। तोहार मन बड़ा झूठ बोलता रे। अच्छा तो फिर केकरे खातिर खनकत बा? हमका जानी ए निगोड़ी केकरे खातिर खनकत बा? आंचल से के कहलस के हम बड़ा सुंदर बानी? हम कहनी कितना सुंदर बानी? अब ई बतावे खातिर हमरे लागे शब्द नहीं बा। रउवा लगे शब्द नहीं बा? रउवा तो कभी बानी। कैसे बिन तोरे गो
चोरिया हो काल सबेरे से गोपी का कोनो पता ठिकाना नहीं दिन भर तक गायबे रहता अब रतिया के भी रह लागल तो के नहीं पता अपन ब्याह खातिर लड़की देखे गइल बा का हम तो जन्मी के तोहके पता होई तोहार माई तोहरे नक्कारा बिटवा के गिरस्ती बसाव के चाहतिया और ई घर मा का होत बा जौन हमके नहीं पता केहू बताई हमका काहे चिल्ला ताड़े काहे चिल्ला ताड़े ला आ गई लिन इन्हीं के सोक बा ओकर ब्याह रचावे के सिर पे मौरा देखे के माई माई पहले वो घर बसावे लायक तो बने और तू हमरा से बात कहले बिना ओकरा के लड़की देखे भेज दे लू वो लड़की देखे ना ही गईल बा वो तो ब्याह से मना करे गईल बा हम बात कहले रही लेकिन गोपी तैयार ना बा वो कहले जौन घर मा सांस ले मुहाल बा वो घर मा वो बहु ना ही लाई जगन्नाथ तू तो जोरू का गुलाम होई गए ले गोपी तोहरन के तिरस्कार से नाक तक डूब गईल बा भगवान ना करे कि कौनो दिन वो ये चौखट का लात मारी के कहूं चल जाए और जगन्नाथ तोहार अर्थी बिटुआ के कांधे खातर तरस जाए तोहरी सुरतिया
जो बनवा बड़ा निक लागे ना हो ओह पे गहनवा सुंदर सुराहीदार जैसे कर दनिया लट लहरा लियो बे जैसे नगिनिया हमरी तू कविता हो कल्पना का दुनिया हमरी तू कविता हो कल्पना का दुनिया धन्यवाद विधनाई सन देहला सजनिया प्रीत कमूरतिया बा तोहरी सुरतिया प्रीत कमूरतिया बा तोहरी सुरतिया राधा सच बात बोली वैसे तो हम बेहा से मना करे आइल रहली लेकिन जब तोहरा के देखली तो ऐसा लागल जैसे तू तो उही हा जेकर हमार जिंदगी का जरूरत बा पिया से मना काहे करे चाहता नहीं राधा हमार घर का माहौल हमार खातिर ठीक नहीं बाड़े बचपन में हमार माई चल बसी और बाबूजी दूसर बेहा कई ले ले सौतेली माई बाड़े नहीं हम उनके सौतेल नहीं मानीला तो वो तोरा के सौतेला मानेली भगवान जाने लेकिन गोपी हम के ब्याह रवा से करे के बा रवा हमार साथ दई तो हम हर सुख दुख तकलीफ सबसे लड़ सकीला और वैसे ने होत उहे बा जे तकदीर मा लिखल होई आज रात मा होलिका जले के हा हम प्रार्थना करब कि हमार रास्ता की सगरी रुकावट होलिका संगे जली के स्वाहा हो जाए होली के रंग में हम तो भैया खा गईली गोला भंग धीरे धीरे चढ़ेली भंगिया धीरे धीरे चढ़ेली भंगिया नाचला हम रंग अरे बोल कबीरा सारा रा 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 आओ रे धूम मचल हो भैया मारो रे रंग भरी पिचकरिया मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला गोर की पत्थर की जवन की ओ बुढ़िया गोर की पत्थर की जवन की ओ बुढ़िया सब हम के लागेली सुनवा चिरैया रंग बरसाई मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला मनवाई हमरा रंगीन मौसम बाहुलिया के रंगीन मौसम बाहुलिया के देखा जीरा में हमरा तो प्यार
रंगीन देखी जो गोरिया के, रंगीन देखी जो गोरिया के, गोरी गोरी है भैया, गोरी पतली कमरिया, गोरी भारी उमरिया, गोरी तिरछी नजरिया, हमरा जीरा तो ले ले, एको चुम्मा तो दे दे, अपनी भैया में भर ले, हमरी सजरी तू बन ले, मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला, मन ठुमका लगावेला लगावेला गोरिया के मिलाला दहिया से दहिया रे, मिलाला दहिया से दहिया रे, तू हमरी हो लैला हम मजनू हो छला, तू चंपा चमेली हां भैया मिल ली, हां भैया हां भैया हां भैया तोहे जन्नत दिखा दी, तोरी इज्जत बढ़ा दी, तोरी मंगिया सजा दी, तोरी जिंदगी बना दी, मन ठुमका लगावेला गोरिया के निहारेला, मन ठुमका लगावेला गोरिया के अपन ध्यान रखिया और जल्दी आइया, ठीक बा जी। बिटवा जी, काल तो तोरा पर ठंडाई खूब चढ़ी रही, अब भैयो ना उतरी होए तो एक दो दिन और रुक जा। देखा गोपी, जौन हरकत तू इनके संग है कैले रहला, उहे हरकत अपने दादी के संग मत करे लगी है। चला हटा। चला चला। अरे का भइल, हम अपन बटुआ भुला गईली, हम लेके आवतानी। अरे तू कहां ढूंढबू, जा जा बेटा तो ही लिया जा। हमसे बिना मिलने जाता नहीं, सब जने संगे रह ले, यही खातिर हम संकोच में रही, वो तो बटुआ भुलाए के बहाने हम अंदर आइल बानी। अब कब आई बा? अब तो बारात लेके ही आई। जल्दी आ जाइया, अब ज्यादा दिन यहाँ हमार मन ना लागी। मन तो हमार ना लागी राधा, ब्याह होवे तलक मन के समझावे के पड़ी ना। अब हमार मन हमरे बस में नहीं रहा गोपी, अब अकेले हमसे रहा न जाए। चिंता मत करी, हम पंडित के घूस फूस दे के मुहूर्त जल्दी निकलवा ले। गोपी बेटा। जी जी बाबूजी, आवत बानी। चला था ही। बेटा बटुआ मिल गईल? हाँ मिल गईल बाबूजी। अच्छा अच्छा, अच्छा चला तानी। जियत रहा, जियत रहा। नंदना, गोपी बाबू के स्टेशन छोड़ी आवा। जी मालिक, ठीक से जाइए। जी माँ जी। आवे जमाई बाबू। नंदू। तू हमका मरद समझा ता, हम नहीं है, हमार नाम नंदू नहीं नंदना बा, नंदना। का बकवास करता है रे तू। जमाई बाबू, हम बकवास नहीं करता रे। यकीन नहीं होता ना, चली गन्ना के खेत में सब यकीन दिलाए थे। छोड़ा हमका स्टेशन छोड़ा, अब बैठ। इरी गिराइबे का नहीं लाए दे, हम चलाई। अच्छा तू चलोगा तो और मजा आएगा, डबल सीट का आदत नहीं बना। तोरे आगे बैठे के मजा कुछ और हुई। हे जमाई बाबू, पहले तो हम साड़िये पहनत रही, गांव के लड़कियां साड़ी पी के कत्तो भी हाथ डाल देते रहे। अच्छा। परेशान हुई के तब से हम पैजामा कुर्ता पहने लगली।
तू एक बात बतावा हमके जानत बाड़े की नहीं। अच्छी तरह तू हमरा राधा बहन को होके वाला मरद है। देख नंदू, तू ऐसे नहीं रोल कर चुकल बा रामलीला मा, हमके बनावा मत। हे जमाई बाबू, ये सब राम जी के लीला बा। औरत और मरद दोनों का मिट्टी एक ही कही के हमका राम जी बनौले हैं। अगर आपका दिल हम पर आ गया हो ना, तो दहेज में एक ही चीज मंगियो। हमका हम खूब सेवा कर। जमाई बाबू ऐसे ले तो फट से पहुंच जा। ऐसे ले ले तो बाबू। हाँ ठीक बा। पहले तू ये बतावा हमार बिला गैनी की जिंदा बानी। बोला हमार चिता जलाए भेले का, पिंडदान कर देले का। हमरे जियते जी तू आपन ब्याह का बात पक्का करे चल गई ला। अरे जौन लड़की के साथ तू ब्याह करत बाड़ा, ओकरे पेट बा, रोटी खाताड़ी, कपड़े पहन दिया कौन दे ओके। अरे तू तो अपन खातिर जंगिया बनियाइन तक नहीं खरीद सकता, ओकर पेट कैसे भरबा, ओकर तन ढके खातिर कपड़ा कहाँ से ले आई बा। हाँ सुना सुना माई, तू तो कहत रहलू कि बियाह खातिर मना करे गई बा, ई नकारा ता अपन बियाह पक्का करके आइल बा, और ई बाप के पता तक नहीं, ई अपन बाप के बाप नहीं, मरल कुकुर समझेला। गोपी बोलो बेटा बोलो। हाँ दादी, हम बियाह खातिर हाँ कही देली। हम तोड़वा देब तोहार बियाह, जब तलक तू अपन पैर पर खड़ा ना हो जाइबा, हमरे जीते जी तू मऊरा बांध के घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। जरूर कोनो खोट हो ही लेकी माँ, तभी तो हार जैसे नकारा निकम्मा के अपन बेटी सौंप देहले। अरे न जाने कौन दुश्मनी बाड़े, भगवान ही कपूत के हमला के गोद में डाल देना। गोपी बेटा, अब हम का करी दादी, का करी। हम तो तोरा से कहले रहली कि तू ब्याह कहके हमार मायके में बस जा। दादी माँ, अब हम ब्याह नहीं करब, हम आज ही राधा के पत्र लिख देत कि ऊ कहू और ब्याह कहले, कहके हमार बाग में तो तिरस्कार बस तिरस्कार ही लिखल बा। तोहरा के तो तिरस्कार के भी परवाह नहीं, बेशरम जैसन डांट गाली सुन ले तड़ा बैठे बैठे रोटी तुड़त, एक बार तो कुत्ता भी लात खा के चौखट पे नहीं मुतत। बहू चुप कर बुढ़िया, हम तो सोतेली माई बानी, लेकिन बाप ते सगा बा, जब इस सगे के आना भेल तो हम का भरोसा करी। ई जब तलक रही कपार पर बोझा बन के रही बोझा। अपना रहबे माई, अपना रहबे। अरे 125 का प्रसाद चढ़ाई जौन दिन तू घर छोड़बे, नरक मा तक जगह ना मिली तोके बहू। एको बिन माई के लड़का से तोर ई सुखल व्यवहार, तोरे छाती मा ममता होगी, कलेजा छल्ली कह दे। भगवान तो होगी एगो लड़का के माई तो बना दिल है, पर माई का होते ई तू समझत नहीं। याद रखा बहू, जो नवरात दूसरे के लड़कन से घृणा करती आ, ओकरे लैकन काहे प्रेम प्रेम और ममता नसीब नहीं होत। छाती पीट में, छाती पीट में जब तोहार लैका जवान हो जाई। हमार खून इतना खराब नहीं बा। अरे जा दादी, दादी माँ, दादी माँ, दादी, दादी। बेटा, बेटा, अब हम नहीं बचब। नहीं दादी। हमारी इच्छा रहल कि तोहर घर परिवार देख लेंगे। दादी। लेकिन, लेकिन हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। अब हम चाहते हैं। नहीं दादी, दादी माँ, दादी माँ। दादी माँ, दादी, दादी, माँ, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, माही, माही, दादी, माही, ओ
माई दादी, दादी, माई गोपी गोपी शादी से काहे मना कैलस? अब सच्चाई का बा कौन जाने। गोपी के बाप से पता चलल कि गोपी घर से भाग गई, कहां गई कुछ पता नहीं। और कहां गई होई? सन्यासी बनी के काशी विश्वनाथ गई होई, भजन करत होई। अब ये सब छोड़ा देवर जी, भगवान का धन्यवाद था। कहूं ब्याह हो गई होत तो ये हरकत करत, तब तक हमारी नाक कट जात और हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जात। भगवान जाने अब का हुई बिटिया। भौजी, एगो लड़का बा हमारी नजर में, हम बात करत आनी, राधा के ब्याह उहे कर देव, बहुत बड़ा हवेली बा उनकर। सठिया गई ले बाका? अरे आज अचानक तोहके ई बनारसी साड़ी मा देख के हमके हमार जवानी का झटका लग गई। ई उम्र मा जवानी के झटके मतला, कहूं कौनो अंग टूट गई तो खटिया ले लेबा। ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। का करत बाड़े? सगरा घर मेहमान से भरल बाड़े, कहूं कहूं देख ले था। अरे तक का भइल, जवान बेटा के ब्याह बा, अरे हमरो ऊपर थोड़ा बहुत जवानी आ गईल, तए में बुराई का बाटे? अब पतझड़ के मौसम मा बसंत की बात काहे करता रे, दिल के चाहे जितना जवान कहला, देहिया के पता बात कि ओकर उम्र का बाड़े। अरे दुर्गा रानी, शराब जितना पुराना होखेला नशा उतना तेज चढ़ेला। शराब और शरीर मा यही तो फर्क बा, शराब बूढ़ी होके जवान होत बा और शरीर बूढ़ा होके बच्चा होत बा, और बच्चा ऐसा हरकत नहीं करेगी। अरे तू तो हमार सगरी उम्मीद पर पानी फेर दे। खूबसूरत समधन मिलल बा, सोचत रही कि तुहार संगे थोड़ा बहुत अभ्यास कर ली तो ओकरा ऊपर जाल फेंकब, लेकिन तू तो सब मजे किरकिरा कर दिलू। अपन खातिर समधन लेवे जात बाड़ा के बेटे के खातिर बहू? अरे जब दोनों मिल जाए तब बुरा का बा। जयराज। हाँ माई। जयराज ई का? अरे हम तुहार शादी के तैयारी में लागल बानी और तू यहाँ निशानेबाजी में लागल बाड़ा। माई, ब्याह में दूल्हे के करे खातिर होते काबा, बारा चले के होई, बना सवारी के घोड़ी पे बिठा दिए, चला जाए। बेटा, तू खुश तो बाड़ा ना? तो के ऐसन बुझाला कि हम खुश ना बने। देखा ना, तू ना तो लड़की के फोटो देखला, ना ही अपन पसंद ना पसंद का बात कहेला। माई, तो है पसंद बा ता ठीक बा। जयराज बेटा, भगवान तोहके दे के हमके माई बने का सौभाग्य दे दईले, अब तू पोता दे के हमके दादी बना दे।
जब माई का बेटा जवान हो जाला तो ओकर माई खातिर पोता चारों धाम के फल जैसन हो खेला। तोहार ही फल खातिर तो हम ब्याह करत बानी माई। माई आवा तोहे बंदूक चलावा सिखाई दई। रह द, वक्त आवे पर चलाई ले। चल अब हल्दी लगवा ले। अरे वीडियो वाले के बोल देला बरातियन के कौन सा सिनेमा दिखावत बड़ा। दुई ठू सिनेमा ब्रह्मचारी जी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बे और बलम परदेसिया होई गे। अब देखा नंदना, बेटवा के शादी नहीं बिटिया का शादी बा। मालूम बा। तब बरातियन के खातिरदारी में कौनो शिकायत ना होवे के चाही। ना होए ब्रह्मचारी हाँ। जी और बोला। उंगरिया दूर रखा, उंगरिया दूर रखा। भौजी, ए भौजी, आज तू अपन घर जात बाड़े, तोरा के पाले पोसे में तोरे माई बाप की तरफ से कोनो कमी रह गई लो के ता बिटिया हम का माफ करिया। माई बिटिया चुप हो जा, बिटिया चुप हो जा। और सुना बिटिया, आप तो हर पति है, तो हर सब कुछ बा, पति के परमेश्वर मनिया, कब माई बाप की इज्जत पर कोनु आज ना आवे दिया। दीदी दीदी तुम्हार बहुत याद आई। Thank you.
हमरे ठुमका के कीमत बा 10-20-30 हजार 56 करोड़। माई तू अभी तक जागत बाड़ू? आज हवेली माँ रज जगा बा, सब केहू जागत बा। हम तोरे ब्याह से पहले बिनती कही ले रही कि बबुआ सुधर जा, लेकिन तू तो अपन माई के जुबान का लाज ना रखला। आज तो हर सुहाग रात बा, तोहरा बहुत तोहरे इंतजार में सारी रात जागत बा। जानत है हम, जानत है माई, और हम जहर से आवत बानी ना, वहाँ भी केहू हमार इंतजार करत रहे। जे हम उहर नहीं जाते ना माई, तो वो सारी रात हमार इंतजार में निकाल देत। तोहके पत्नी और पतुरिया में फर्क ना बुझात बा? माई आइन तो दोनों औरत। जयराज चिल्लावा नहीं माई, चिल्लावा नहीं। हम तोहरे कहे से ब्याहते कर ले ली, पर एक पल्लू से बंद के हम ना ही रह सकत। जे ये बात तोह से तोहर पत्नी कहत था? जयराज तू हमारा औलाद बाड़ा, यही खातिर हम तोहार ममता में आनर बानी, लेकिन वो आनर होके तोहरा से प्रेम ना करी, वो माई नाही, बीवी हो जयराज, बीवी। हम गिरब नहीं, जब गिर जाब तब संभाल लिया। तो उससे कभू ना कहत कि हमार खातिर पैक बनावा, चंदा जायसन नाचा। जागत का है बाड़ू? रवर इंतजार करत रहली। इंतजार? इंतजार? अरे रात एक और इंतजार दस करते हुए। दीन दुखी के भले बुरे के सबके भाई
नाग के सबके करम के लेख लिखिया हो प्रभु जी तू ही राम रमैया हो प्रभु जी तू ही किसन कन्हैया हो बेटा तू कौन बाड़ा पहले कबू यहाँ देख ली ना ही कौन गाँव क्या बाबूजी एगो रमता जोगी समझल जाए अब ना तो कोनो हमार घर बा ना गाँव ना परिवार एह जिंदगी बा जेकरा के बस जिए के बा अब चाहे भगवान के बन के जिए या भगवान के आपन बना के जिए बेटा ये तुहार त्याग बा या मजबूरी पता नहीं छे शायद ऐसे हमार मन का बोझ थोड़ा कम हो जाला कहाँ रहला कोनो ठिकाना नहीं उता जहाँ धरती मैया जगह दे दी उन्हें घरों दा बना लेता नहीं बेटा तोह से मिलके बड़ी खुशी भई कोनो उतराज ना होके ता कुछ दिन खातिर हमरे घर में रह पा मालिक इ तरह के वो अजनबी के घर ले जाए ठीक नहीं त्रिफला हम इनके मंदिर से ले जात बानी और मंदिर में रहे वाला केहू खातिर अजनबी ना होला तबियो माली तो दाढ़ी कितनो बड़ी काय न हो जाए मूंछ की जगह नहीं उगत है तो चुप कर चला बेटा चला अगर तो हमरा घर का अन्न ग्रहण कर ले बा तो हम अपने आप के धन्य समझब चला बेटा चला ई लड़िका गोपी बहुत अच्छा भजन गावेला अच्छा हाँ आवा दुल्हन ला बेटा ई हमार बहुरिया बाटे परीक्षा लेत बानी जो जीवन से चल गई ओके जीवन में आवे का अधिकार न दा आपन मन मंदिर मा हम गोपी के मूर्त रख ले रही लेकिन अब हमार पति आप हमार पति हमार भगवान बा हमार देवता बा हमार लाज रखा प्रभु हमार लाज रखा हमरे इन कांधे पर हमरे नैहर और ससुराल इतनो घर के आबरू बा हमार लाज रखा प्रभु हमार लाज रखा बाबूजी हम जावा चाहता नहीं अरे अचानक कछु याद आ गई इतना जल्दी काहे जात बड़ा का तो के ई घर के खाना पसंद नहीं आई कैसन बात कहता नहीं बाबूजी एगो अजनबी खातिर इतना सम्मान हर इंसान में नहीं होला देखा बेटा हम भगवान में बहुत आस्था रखीला और जे कोई भगवान में आस्था रखेला उनकर हम बहुत सम्मान करीला बाबूजी हम बाहर जाता नहीं ई हमार बेटवा हवन जयराज
प्रणाम। हम पहचान ली नहीं भाऊजी। इनका नाम गोपी बा, अतिथि। ठीक बा। बेटा जी, हम तो अंगूठा छाप बनी सुस्ती रह गई नी, अपना बेटा के पढ़ा ही ना सकली। हाँ बेटा जरूर किताबन का थैला लिए जात रहा और गन्ना के खेत में जाके बैठ जात रहा और सांझ के घरे लौटावे, और इस तरह हमार बेटा भी अंगूठा छापी रह गई। हमरे पास आज सब कुछ है, जमीन जायदाद, आटा चक्की, लकड़ी चीरे वाला कारखाना, लेकिन हमरे बाद ये सब के देखे वाला क्यों नहीं के? काहे जयराज बाबू ना ही संभालत? जायदा बेटा, आपन औलाद में ऐब निकालब भी निक नहीं लागत। अरे सुना, देखा भाई, गोपी जाय के जिद करत बा, अब तू ही समझावा। गोपी बेटा थोड़ा रुक जाना, हम तोहरे मुंह से भजन कविता सुने चाहता नी। ठीक बा माँ जी, रउआ कहता नी तो हम रुक जाता नी। त्रिफला लूटला। त्रिफला। जी मालिक। त्रिफला, ये गोपी के अपना खेत और कारखाना घुमा दे। जी मालिक। जा बेटा। अच्छा बाबूजी। चला हो राम रमैया। चला। गोपी बाबू, तू भगवान के बड़ा मानेला? काहे रउआ नहीं मानेला का? भगवान के तो मानत बनी, पर भगवान की नहीं मानत। का मतलब? अब देखा ना, भगवान कहत बा कि कर्म करा, फल की इच्छा मत करा। अरे प्रभु, फल की इच्छा न करब त खाएब का? अब हमार मालिक बुढ़ौती में जब नट बोल्ट ढीला हुई गैल बा, तक कहत बाड़े कि हमारी तो भगवान में बड़ी आस्था बा। अरे आस्था बा तो घर बैठ के चुपचाप आस्था चैनल देखा तो उन सब पूछा कि जवानी में भी ऐसा मंदिर जात रहले का? का बात कहता अड़े, वो तो हमका बड़ा नेक इंसान बुझात बाड़े। हम का कहत बानी कि उपापी बाड़े, डाकू बाड़े। अब जेकर लइका दुष्ट बा, पापी बा, ओकर माई बाप में कोनो कमी तो जरूर रहल होई ना, समझत हो ना, बुझत आड़ा ना। अब हमार मुंह न खुलवावा गोपे बाबू। कुछ दिन और रुका, सब अपन आँखें से देख ले वे के। उजे लईकी ई घर मा बहु बन के आयल बाड़े, ओकर जिंदगी एकदम बर्बाद बा। अरे ओकर भाग फूट गयल बा। जयराज बाबू एक नंबर के अय्याश बाड़े। ताका ईसा बड़े मालिक के पता बा? अरे बड़े मालिक की बात तो जाए दा भाई, गांव के कुकरन तक का मालूम बा। अरे गांव के कुकुर जयराज बाबू के देख ले तो टांग उठाई के ओकरे पर बुझला। अरे भैया दाढ़ी कितना बड़ी काय न हो जाए, पर मूछ की जगह नहीं ले सकत है। ए चाचा काम चालू रखा भाई। चूड़ी वाला, पिता वाला, चूड़ी वाला है? अरे पिता वाला। चेहरा भी मिलत बा, नकरा में उंगली भी करत बा। नंदू नंदना। अरे चोटी
वाला कौनो तो खाटू नहीं है ना चूड़ी वाला फीता का भैया हम कहीं टुकु टुकु कहीं ताकत है अरे हमार नाम नटवर लाल बा भाई नटवर लाल हाँ पर वो नटवर लाल नहीं वो नटवर लाल तो पहनावता रे लेकिन हम सबके चूड़ियां पहनावता रे वो सबके टोपी पहनावता रे हम सबके कंगन पहनावता रे अच्छा भैया सुना जरा बोला भैया अरे लगा का तू यही गांव के बाड़े का भैया सात पीढ़ी से तो यह गांव में बानी तुहार कोनो जुड़वा भाई बा है? पता नहीं हो सकत है वो का है हमरे बापू के अलग अलग गांव में जाके चूड़ी पहना के आदत रहल और गांव के जनाना रही ना उनके खूब बजावत रहल हमरे बाप के हाथ से चूड़ी पहने में वैसे में हमार बाप कोनो हरामपंथी कह दे रहे हो तो पता नहीं ठीक बा वैसे तू कोने गांव का है हम तो बाहर से आइल बानी अच्छा अपने घर का पता हमका दे दिए का है भैया अरे तोरे मरारू के चूड़ी हम पहनाई ना हमार ब्याह ही नहीं भइल तब बेकार में काहे हमार टाइम खराब कराता रे हम मर्दन के चूड़ी नहीं पहनाई ससुरा चूड़ी वाला फीता वाला चोटी वाला का भइल ए नटवर चूड़ी वाला के जानत बाड़े का त्रिफला बाबू ऐसा नहीं शकल के दू लोगन के हम पहले भी देख ले बानी देख ले हुई बा चला अब का है कि हमार देश लड़का पैदा करे के मामले में नंबर वन बा अरे ऑस्ट्रेलिया का कुल जितना आबादी बा ना उतना तो सारा यहाँ रोज उगत बा का अरे लड़का अरे जब माल ज्यादा सप्लाई करे के पड़ता तब भगवान भी बेचारे थक जाता रे थक के बैठ जाता रे अरे गोपी बाबू पर इंसान कहाँ थकत बा उ तो लगातार गप्पा गप तगप्पा गप तगप्पा गप तो भगवान भी बहुत होशियार बा एकदम शॉर्टकट अपना लेते हैं कैसन शॉर्टकट अरे भैया एकै सकल के दो चार गो छे छे गो जेरॉक्स मार के औरतन के गर्भ मा चप 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 चिपका देते हैं तीन ते तू देख भइले और बाकी का जिंदा रहले तो दुई चार भी कबो केले ले ले केला बेचत तो भाइयों और बहनों वोट मांगत दिख जाए अरे सब भगवान की माया बा गोपी बाबू अब गोपी बाबू एक बात ध्यान से सुन ला का दाढ़ी कितनो बड़ी काय न हुई जा मूछ की जगह नहीं बुझला बुझला चला आवा पायला कुमा जी जेतरा दुल्हन जी माजी बिटिया तनिक हमार सिर में तेल लगा दे न जाने का है आज हमार कनपटी में हुक उठत बा अबहिन तेल लेके आवत बानी माजी तोहरे पास हमार खातिर भी कछु समय बा कि नहीं माजी के सर में दर्द होता दबावे जाता नहीं हमार सरमा भी दर्द होता रे रात के दबा दई रात के दबा दई छोटे मालिक सर दबावे से कुछ हो ना होई ओकर पांव भारी नहीं होई कुछ और करी छोटी मालकिन और बड़ी मालकिन दोनों के पोता चाहिए बड़ी मालकिन के का चाहिए ई छोड़ा हम के का चाहिए ई सोचा दुल्हन जयराज हमार इकलौती संतान बा बड़ी मन्नतन पूजा पाठ प्रार्थना के बाद पैदा भइल बा हम तो सदा ओकरे खुशी में ही अपन खुशी देखनी हम ओकरा से बड़ा प्रेम करत पानी ओकरा कौनो कमी पर तक नजर ना गई हम जानत बानी उ थोड़ा लापरवाह जिद्दी बा दुल्हन माँ औलाद के जन्म देत बा पत्नी जीवन संगिनी हम जन्म दे देली अब साथ तोरा के देवे के बा जी माँ जी
चूड़ी वाला। अरे चूड़ी पहन ले भौजी, हरी लाल कांच लाखन का चूड़ी पहन ले भौजी। अरे लूटला ये लूटला, अरे लूटला ये नटवर चूड़ियार। जरा रुका भाई, एक बात बतावा, यहाँ ही दोपहरिया में गांव के मरद लोग जब काम पर चल ही जाता रे, तब तू घर की औरतन के चुपचाप चूड़ी पहनावा ताड़े। तोहार छाती काहे फाटत बा, तोहे काहे बवासीर होत बा। देखा औरत मरद के नाम पे चूड़ी पहना ताड़े, और जे औरत मरद से प्रेम करता वो अपन कलाई चूड़ी हार के हाथ में देबे करी ना। अरे लूटला, एक बात बताओ नटवार, कलाई पकड़े के बाद तोरे जियामा तो जरूर कसक होइबे करी। देखो त्रिफला, हम तोहार जैसन गिरल नहीं है, और चूड़ी कलाई में पहनल जाला, एकरा खातिर कलाई पकड़े के पड़ेला। शुक्र बा कचूड़ी कहूं और नहीं पहनल जात। हाय दैया, दर्द होत बा, तनी धीरे धीरे चढ़ावा ना। बाद में तो उंगली पर रखते ही चूड़ी कलाई पर सर से सरक जाई। सर से सरक जाई। नटवर सबेर से बैठल बानी, जैसन कोनो जवान लेकी आवतिया पहले तू ओके चूड़ी पहनावत बाड़े। अरे कैसन बोला तू भौजी, ऐसन जिन बोला नहीं तो गांव के लोग हमार फाड़ देंगे। का अरे कपड़ा तक हम झूठ बोला तानी, हम ने देखत बानी तू चूड़ी पहनावत बाड़े, मौका देख के चौका मारता रे, लेकिन के मना करे पड़ी की तोरा से चूड़ी ना पहने। अरे काहे जाम लगा दाड़ू भौजी, ए देख अब तोरे नंबर पर जा। जवानी ठेंगा दिखा के चल गई, लेकिन अभय तक चूड़ी बिंदिया कचरा भी चाहे बुढ़िया के। एनी गोड़े, तू बुढ़िया क्या क्या कहत पड़े? अरे आवो बैठे भौजी। अब ही एक बरस कम बा 50 का होए में समझला। हाँ समझ गई भौजी, आजे तो 16 साल लागल बा तोरा के। ठीक बानी राधा। का बात भाई, आवाज कैसे बा? अरे गोपी का भाई? हाँ का भाई गोपी का भाई, हमार कमरा में चोर आइल रहल, ये बचावे खातिर आए तो चोर चक्कू मार के भाग गए। अरे बड़ा खून बहता रे, जा दुल्हन पट्टी लेकर आ जा। जी माँ जी। जयराज कहाँ बा? अरे बस भी करा। अब ना छोड़ा 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 ना काहे। ओहो तो की तो नाश्ते में भी चाशनी चाहिए और खाने में भी। छोड़ा हमका सतयुगी औरत नीक नहीं लागत। छोड़ा छोड़ा ना, परेशान करके रख दी है। बस भी करा, मसक डलवा का। छोड़ा छोड़ा ना, छोड़ा। केहू आएगा? देखा केहू का करत रहे तू भीतर? हम
हम का करब? जौन करे के होत बा तो हर पति करत बा। हमरा के का थप्पड़ मारत है छोटी मालकिन? हम बानी तक कम से कम छोटे बाबू रात घर तक लौटत बाड़े, तो हाल खातिर तो ऊ घर भी ना आवे। आपन दुल्हनिया के संभाला छोटे बाबू, बड़ी आई चाटा मारे वाली। का कहत रहलू चासनी से? हमार कसूर का बा, का कमी बा हमरा मा? हम आपन मांग मा रवा के नाम के सेनूर भरत बानी, कुछ तो लाज राखल जाए बंधन का। रवा के भरोसे हम यहाँ आयल बानी, रवा ही भरोसा तोड़ दे तो हम कहवा जाए, कहवा जाए भा? छोड़ा छोड़ा, कहवा जाए? राधा एक बात कही तुझसे, तू ये घर में इतना दुख उठाओ तारू, ये देख के हमार पांव के नीचे से जमीन सरक गईल। के कहलास तो से हम दुख उठावत बानी, हम दुखी बानी, हमार जिंदगी नरक हो गईल बा। देखा गोपी, तू ही घर में मेहमान बाड़े, तोहरा के कौनो हक नहीं बा हमार घर के मामलन में दखल देवे का। हमार पति के हक बा, जैसन चाहे हमार संगे सुलूक कई सकत बाड़े, तोहरा के कौनो जरूरत नहीं दुख या हमदर्दी जतावे का, समझ ल? राधा जयराज बाबू, हम कुछ दिन राउर घर में रही के देख लेंगे। रउआ औरतन के बड़ा इज्जत करा ताले और करे के भी चाहिए, औरत होते ही ऐसन बा, माई बन के जन्म देत बा, बहन बन के मीठा प्यार और पत्नी बन के तो कई औरत बाड़े ही गांव में, जिनकर रउआ दिल राखत बाड़े, जिन से दिल लगावत बाड़े, फिर राधा पर काहे जुल्म? ऊ भी तो औरत हा, राउर अर्धांगनी, ओके काहे रुलावत आड़े? ई सब तो से के कहलास? आपन आखन से देख ले है। ततु अतिथि बन के हमरे घर के अंदर झाकत आड़े? रउआ के घर के अंदर जौन कुछ भी होत बा, वो घर के बाहर भी दिखाई पड़ेला, वो में झांके की जरूरत ही कहाँ? अब देखी ना, राउर हवेली वारिस होके के बाद भी वारिसदार के खातिर तड़पत बा, राउर माई बा बेटा होके के बाद भी बेटे के खातिर मोहताज बा, राउर पत्नी पति के होके के बाद भी पति के खातिर तरसत बा। तू हमसे पूछा ताड़े या हमके बतावत ताड़े? जयराज बाबू जाना ताड़े, औरत के देवी काय कहल जाला, यही खातिर एक औरत यहा जेके हुमरत की हो जाए पर लाज और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगेला, नहीं तो ब्याह के बाद जौन कुछ मरद कर सकत बा वो औरत भी कर सकेगी। जयराज बाबू औरत के पांव की जूती मत समझा, अरे औरत अपन घर परिवार माई बाप सब कछु छोड़ के एगो अजनबी मर्द के जीवन का हिस्सा बन जाला, का यही खातिर कि मर्द होके अपन जीवन का सरल हिस्सा समझे? नहीं जयराज बाबू नहीं, राधा पर तरस खाई, उनके 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 ये एहसास कराई का मौका दे कि रउआ होने के पति वाले। ए अतिथि बाबू, तू हमरे घर में हा हमरे बाऊजी की वजह से, और ऊ बाऊजी कभी हमका नसीहत नहीं दिए, तो तोहार कैसी हिम्मत भाई
एक बात कान खोल के सुन लेती थी बाबू, हमार नजर में दोनों एक समान। अगर दोबारा हमरे घर के मामले में दखल दे की कोशिश की ना तो तुहारी खोपड़िया उड़ा देव हम, तुहारी खोपड़िया। हेलो माई, माई तू कैसे बाड़ू? और बाबूजी काका आचल ये सब कैसे बाड़े? सब लोग ठीक बाड़न बिटिया, तू बतावा तू कैसे बाड़ू? हम बड़ा खुश बानी माई, बड़ा खुश बानी, इतना खुश बानी कि तोहरा सबके भुला गई नी। राधा बिटिया का भइल, तू तू रोवत बाड़ू? हाँ माई, लेकिन एकर मतलब ई नहीं के बा कि हम दुखी बानी, यहाँ हमार केहू ख्याल न रखेला। माई तू ही तक कहत रहलू कि जब ज्यादा खुशी मिल जाला तो रुलाई आ जाला, कहत रहलू ना माई? बोला माई, कहत रहलू ना? हाँ बिटिया। माई अब यह है हमार घर, हा यह है जिंदगी काटे के बा, बस कुछ है तदिन फैल बा यहाँ आए केकरा के जानत रह ली हम। हाँ जैसे जैसे दिन बीती सबके जान जाई सबके। माई यहाँ हमरा के बाबूजी जैसन ससुर जी और तोहार जैसन सासू मिल गई, इतना बड़ा घर मा तू हमार बियाह कैले बाड़ू? इतना बड़ा घर मा हमाई राधा बिटिया तू खुश तो बाड़ू ना? माई तू बार बार काहे पूछताड़ू कि हम खुश बानी? माई हम खुश पानी, हम बहुत खुश पानी माई। बिटिया भगवान तोरा के सदा ऐसे ही खुश रखे। बात करवा बिटिया, कल तीज बा, बियाह के बाद द्वार पहला तीज, हम सब सामान भेज दिली, व्रत रखिया और भगवान से घर की खुशहाली खातिर और पति के लंबी उम्र की खातिर प्रार्थना करिया। ठीक बा। अब हम फोन रखत बानी बिटिया। दुल्हन तोहर जैसे दुल्हन पाके हम धन्य हो गए नी, धन्य बाड़ी उमाई जेकरे कोख से तू जन्म ले ली। Thank you.
राधा, ई घर में हम इहे लिए रुकल बानी कि तोहे कुछ बता सके। अब का बताए बा, हमरे संगे छोट कुछ भी होत बा ओकर जिम्मेदार तू बाड़े। बड़ा दर्द होत बा जब सपना टूटत बा। सही कहता रू राधा। लोग कहत बाड़े और धरती बा उमे सहे की ताकत बा। नहीं गोपी नहीं, और धरती नहीं बा। धरती अपन सिने पर बबूल का पेड़ उगाए सकत बा, लेकिन औरत औरत बबूल का एक काटा से भी करा उठा ताड़े। औरत भी इंसान बा, ओकरे भी चोट लागेला, पीड़ा हो खेला, आंसू बहेला। हम जानत बानी हो तू है बा जे तकदीर में लिखल होए, लेकिन हमार तकदीर का रचयिता तू बाड़े। हमरे ई माथे पर जो लिखावट हाओ ई तो हर बा एगो अर्थहीन कविता के जैसन बड़ी बेशर्मी से तू हमार तकदीर लिख ले बाड़ा। नाही राधा नाही। हमके बोले दा गोपी, हमके बोले दा। हम आपन तन मन से तोहरा के आपन मान लेल, और तोहर एक चिट्ठी आई कि तो हमसे प्यार नहीं करा चाहता रे। सोचा कि तोहर ऊ चिट्ठी पढ़े के बाद हमरे दिल पर का बीतल होए। ऊ चिट्ठी लिखा समय हमरा पे का गुजरी राधा। तोहर तो दुनिया बस गईल, हम तो तोहरे बगैर आपन दुनिया तक ना बसा पाईली। फिर काहे गोपी, काहे बियाह से मना कईले, काहे आपन घर वालन की वजह से। जब हम तोहरे घर से लौट के आपन घरे गई नी, वहां हंगामा हो गई। हमार दादी माँ के भी देहांत हो गई। उनकी ही अस्थि कलश लेके हम गंगा माँ विसर्जित करे जात रही, और हमार ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम बच गई नी, लेकिन जब होश आई तो अपने के साधुन के आश्रम में पई नी। हमके बड़ा चोट लागल रहल, कई महीना लग गई हमके ठीक होवे में। बाद में पता चलल कि तुहार ब्याह हो गई। हम तो सब कछु छोड़ के जोगी जैसन भटके लगली। उ तो संजोग से हमार भेंट तोहरे ससुर से हो गई, और वो हमके यहाँ ले आई ले। हम तोहरा के देख ली तो सोच ली कि हम चल जाए, लेकिन फिर सोच ली कि अब तू मिल गई बाड़े तो सगरी गलतफहमी दूर कर दी, और हम रुक गई नहीं। लेकिन जब तोहार दुख देखा तो हमार करेजा कांप उठल। हाँ राधा, हम स्वीकार करत बानी तोहरा के जौन दुख मिलत बाड़े ओकर जिम्मेदार हम हई, और हम ई सब खातिर हाथ जोड़ी के माफी मांगत बानी। हम तोहार दुख तो नहीं दूर कर सके, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करब तोहार सगरा दुख हमका दे दे, तोहार आंसू हमका दे दे। अब हम जात बानी, तोरा के खुशी तो ना दे पाईली, तोहार दुख भी नहीं देखल जात। राधा, तोहके पाके हमका ऐसन लागल कि जिंदगी की सारी खुशी हमके मिल गई, लेकिन लेकिन आज हमके लागल कि हमार तकदीर मा तोहसे ब्याह के योग नाही बा। हम अपन मन मंदिर से तोहके निकाल तो ना पाईनी। हाँ, तोहार जिंदगी से खुद के निकालत बानी। हमार रास्ता मत देखी हा, हमार इंतजार ना करी हा, हमरा के भूल जाई हा। हो सके ता अपन दुनिया बसा ली हा।
कौन बा गोपी, का संबंध बा उसे तोहार? कौनो संबंध नहीं बा। तई प्रेम पत्र काहे लिखले ऊ तोहरे खातिर? गोपी से हमार ब्याह होके वाल रहिल, लेकिन टूट गई। ब्याह टूट गईल, पर संबंध नहीं टूटल। नहीं, कौनो संबंध नहीं बा गोपी से हमार। ता फिर ऊ यहाँ काहे आयल रहल? ओके, बाबूजी यहाँ लाइल रहले। बाबूजी से ओकर कौनो संबंध नहीं खे, ऊ यहाँ आयल तोहार खातिर, तोहार ओकरे संग है। संदबा। नहीं, भगवान खातिर ऐसा किनो ना इल्जाम मत लगावा हमरा पे। इल्जाम? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई बा, और एकर सबूत बा तोहार प्रेम पत्र। तू तू मांग मसे नूर त भरेलू हमरे नाम का, पर तू मन से मानेलू सुहाग गोपी के। ये चूड़िया त पहनलू हमरे नाम की, पर ई खनके गोपी के नाम से। तू चरित्रहीन बाड़ू, हमरे पीछे तू। नहीं, भगवान खातिर ऐसा ना बोली। हम रवा के पाँव पड़ता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, हम पर शक न करी। हम अपन पवित्रता की अग्नि परीक्षा देवे के तैयार बानी। अग्नि परीक्षा तो तब लिहल जाए जब शक होत बा। हमरा केता पूरा यकीन बा कि तू उल्टा बा, चरित्रहीन बा, बा। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तोहार मुँह काला काई के पूरे गांव में घुमाई देव। जौन औरत ससुराल में अपने आसिक के बुला सकत है, वो औरत मायका में न जाने कितने मर्दन के साथ सूतल रह लो है। तू औरत के नाम पर धब्बा हो, तू यहाँ रहबू तो हमार और हमरे घर का अपमान हो। चुपचाप यहाँ से चल जा, नहीं ता। बड़े मालिक तो पटना गईल बड़े, उनके पीछे ही सब। मेरी पिया बड़ा भेद दी जासनी। हाँ त्रिफला बोला। छोटे मालिक बहू के घर से निकाल दीलन। का कहता रे? का भाई त्रिफला का फोन रहल। हाँ। जयराज बहू के घर से बाहर निकाल देहलस। का? हाँ। बहू के प्रति ओकर व्यवहार पहले से ही ठीक ना रहल। कहूं के ना रखलस हमके कपूत। बड़ा कोफ्त होता। पहले तो भगवान औलाद के खातिर तरसैले, और जब दिले ताईसन की अब उहे औलाद त्रास देता रे। ठीक हो जे हम निर्वंशी रहती। सब तुहार लाड़ प्यार के असर बा। लाड़ प्यार नहीं करती तो और का करती? ब्याह के 7 बरस बाद माई बने का सौभाग्य मिलल। रवा ओकरा से प्यार नहीं करती? बिगड़ गई तो हमार ममता के को सदबाड़े। जय दे अपने घर जाए के जयराज के समझा। बिटिया अब तुहार पति ही तुहार सब कुछ बा। अपने पति के ही परमिशन मनिया, और कभो आपन माई बाप की इज्जत पर आज ना आवे दिया। बिटिया तुहार घर द्वार, तुहार दुनिया सब तुहार ससुराल ही बा। लड़की जब ससुराल जाला ता डोली में, लेकिन जब निकलेला ता अर्थी में। फोन करत रहनी तब तक तू कहलू हम बड़ा खुश बानी, हम सबके भुला गई नहीं हो। फिर अचानक ई का हो गई, तू
तू काहे खुदकुशी करे पे मशहूर हो गई लू बोला बोला बिटिया राधा तू बोलत काहे नहीं खे बोला बतावा का भइल चुप हो जा वो हमरा पर लांछन लगावता रे कि गोपी से हमार नाजायज संबंध बा जयराज के गोपी के विषय में पता कैसे चला संजोग से ससुर जी के गोपी से मुलाकात हो गई और वो गोपी के घर में ले आई ले कुछ दिन तक वो गोपी के मेहमान बनाकर घर में रख ले राधा सच्चाई काबा कौनो संबंध नहीं कौनो संबंध नहीं बा गोपी से हमार बिटिया सच बतावा राधा कहीं कहीं तू आपन मर्यादा लांघे के कोशिश तो न कइलू राधा कान खोल के सुन ल जे तोहार पांव बहकल त हम तोहार जान ले ले और खुद भी मरमरा जाई समझलू कि नहीं हम दर्द लेके जी सकीला लेकिन दाग लेके नहीं पहले दुनिया तो जेरा दुखाए के चिरई के खोतवा में अगिया लगाए के का पहले दुनिया तो जेरा दुखाए के गईले बैर करमवा होई गईले जियरा हमरा तड़पेला लोगवा नहीं के बुझेला मितवा कर से बैरी हर्षे घरवा उजाड़ के चिरई घरवा उजाड़ के का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के का पहले दुनिया तो पहले दुनिया तो जियरा दुखाए के का पहले दुनिया तो जियरा दुखाए के
सुधिया आवेली, हाल जिया का बतावेली, हमरा हालत वैसे एबा, देहिया में जियरा नहीं खेबा, छुप छुप रोवे मनवा हमरा नमवा पुकार के, तोहरा नमवा पुकार के। का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के, का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के, चिराई के खोतवा में अगिया लगाई के, का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के, का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के, चिराई के खोतवा में अगिया लगाई के, का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के, का पहले दुनिया तो जियरा दुखाई के। पान खाए सया हमारो चासनी, तोहर हिम्मत कैसन हुई हमारे बेटा के बिस्तर पर सोवे की? ई हिम्मत रवा के बेटवा ही दिए हैं हमका। खामोश रह। बड़ी मालकिन, राव और बेटवा हमरे मांग में सेनहु तना भर लेबा, पर आज तक आपन दुल्हन जैसन ही रख लेबा, और अब तक तोहर पोता भी हम ही पैदा करके दे। रवा इत थप्पड़ का हम बुरा ना माना बड़ी मालकिन, सास पतो हमें तो ये सब चलते बा। तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार घर में पांव रखे के? बाबूजी हम चुप रहा, तोहरे वजह से हमार बिटिया के जिंदगी बर्बाद हो गई, नाक कट गई हमार, बसा बसाया घर उजड़ गई, और लोग कलंक लगौले कि हमार बेटी के तोहरा से ना। बाबूजी ईका कहता ले, रउआ दुनिया की ना सुनी, बाबूजी दुनिया की ना सुनी, रउआ की बेटी गंगा जैसन पवित्र बा, गंगा जैसन, ओकरे माथे पर कलंक घर से निकाल दे खातिर मडल गई बा। पर काहे? बतावा तानी, ये तो रउआ की बेटी का महानता बा, कि अपन पति की काली करतू तन पर पर्दा डाल दिले, जबान पर ना लाइल बाड़े, और ये सब हम अपन आखिन से देखले है। राधा हुआ कोनो दुल्हनिया का सुख नहीं, एगो नौकरानी की सौत की सजा काटत रहली। का कहत बाड़ा तू? जे ई बात सही बा, त हम उ लोगन के माफ ना करब जे हमार बेटी पर बचलनी का दाग लगावत पड़े। कुछ ना होई, इस संसार में पगड़ी बेटी के बाप का ही उछलत बा, कबहु दहेज के नाम पे तो कबहु बेटी के चरित्र के नाम पे। कन्यादान संसार का सबसे बड़ा दान होखेला, लेकिन उ दान करे वाला ही कबहु सम्मान नहीं पावेला। हम सबके आगे हाथ जोड़त बानी कि हमें राधा के होके ससुराल ले जाए की आज्ञा दिल जाए, हम एकरे पति के पांव पड़कर सगरी गलतफहमी दूर कर दे, इनकर मान सम्मान सब कछु वापस दिलाई। नहीं, तोहके हमार बेटी खातिर वकालत करे का कोनो जरूरत नहीं बा, ई हमार मामला बा, हम देख ले। राधा गोपी के वजह से बदनाम भइल, और वो बदनामी का दाग हम ही धोए, चाहे चली जाए हमरी जान। चला राधा। माँ जी माफ करी है। चला राधा, चला। राधा, राधा, अरे बिटिया, गोपी सुना था? का भाई? राधा का भाई? तमाशा हो गेल बा हमार जिंदगी, तमाशा। जे पढ़ा लिखा रहल उ ब्याह से पहले छोड़ दिले, और जे अनपढ़ बा उ ब्याह के बाद तोहके प्रेम करब और चेहरा से शादी करब, दुन्नो हमरे खातिर अभिशाप बन गई। राधा, हमरा के भी तो आज तलक कुछ ना मिलल, ना भगवान से ना दुनिया से, लेकिन ई सोच के हम टूट ना गई ली
हो सकेला शायद यही लिखल बा हमार किस्मत में। तो से प्रेम कई नहीं ना पई नहीं, ई भाग का ही खेल बा, लेकिन बर्दाश्त कई ले ली। लेकिन हमरे वजह से तो के बदनामी मिले, ई बर्दाश्त नहीं होला। हम तोरे आगे हाथ जोड़ा तानी, हमरे संगे चला राधा, हमरे संगे चला। तुहारी बजाल कि तू बहू के घर से निकाल दिला, तका करती ऊ बच्चलन के पतिवर्ता बनाए के यहाँ बिठाए रहती। बच्चलन ऊ ना, बच्चलन तू बाड़े। तू का समझे ताले कि इतना बड़ा हवेली बा, तू कौन कोना में का करेला, तो का हमका खबर ना मिली। अरे हम तुहार बाप बानी, तुहार चरित्र का एक एक कच्चा चिट्ठा हमारा देख चुकल बा। तका भाईल, हम मर्द बानी, हमका हक बा। चुप, तो के मर्द बनाओ लसके। जे औरत ना हो तो तू मर्द होवे के दावा करे खातिर अस्तित्व मनाई आवत। तू हमका अस्तित्व मलाई तो का हम तोहार हिसाब से जीव, तोहरे हिसाब से सांस ले? नहीं, पांव का जूती औरत का, सर का पगड़ी समझ ले? नहीं, हम इतने खुले विचार के नहीं बानी कि हम वो औरत को अपना जीवन साथी मानी जे औरत दूसरे मर्दन का बिस्तर गरम करत रहल। तका राधा के घर वापिस ना ले बा। माई के चरित्र जे राधा जैसन होत त तू का करते? मर्द जैसा निका ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दे, या ना मर्द के जैसा निके तलवे चाटत रहत? जयराज, चल जयराज। छोड़ दे बंदूक। जयराज, जयराज बंदूक रख दे, नहीं तो हम तो हर जान ले ले। तू अपन इकलौती औलाद की जान ना ही ले सकते माई? हमार सुहाग से बड़ी क्या औलाद नहीं हो सकत? बरसो बांझ रहल बा तू, बरसो पूजा पाठ के बाद हम पैदा भइल बानी, जे मर गईली माई तो तू बे औलाद हो जाई। बे औलाद विधवा होए से ठीक बा बे औलाद। जे हमके पता हो कि जन्म लेवे के बाद तुहार ई रूप होई तो हम तो के अपन कोखमा ही मार देती। चुप हो जा, ज्यादा चिल्लाइबे तो तुहार सांस फूल जाई। तुहार जैसन शैतान के जन्म देत समय हमार सांस ना फूलल तो तुहार जान लेत समय भी ना फूली। बंदूक रख दे जयराज, नहीं तो हम गोली मार दे। मार गोली माई। जयराज, जयराज माई, तू तो सच में मार दिया अपने बेटवा को। सच
के लिखल के डाले हमार गोद सुनी हो गई और राधा के मांग जाऊन कुछ भवा बा और मां हमी दोनों के गई बा। समधन जी, राधा हमार बहू बेटी दोनों बा। अब हमार कौनो बंश बेल ना रही गई, रही गई नहीं तो हम पुत्र शोक लेके कब तक जी? अब बरस, दुई बरस अकेले पद्मा तो आपन परछाई भी डरावत बाड़े। हम इना ही चाहता नहीं कि राधा आपन परछाई से डरे। हम राधा के विधवा के लिबास में हवेली में कैद करके न मर जाए। हम ओकर हसद के लिए दुनिया बसा के संसार से जावा चाहता नहीं। लेकिन समधन, विधवा का ब्याह समाज स्वीकार करी? विधवा के ब्याह जा अधर्म हो तो भगवान राम रावण के मारी के मंदोदरी का ब्याह विभीषण के संगे ना करोते। पत्नी के मरे पे जे पति दूसर ब्याह कर सकेला तो पति के मरे के बाद पत्नी काहे ना कर सकत? लेकिन समधन, समधन मांग के सिन्नूर मिट जाए से मन की इच्छा मिट जात पाका। हम राधा के ब्याह कराइब, चाहे समाज साथ दे या ना दे। ये हमार बेटी बा, एकरे खातिर सही का बा और गलत का बा सोचब माँ के धर्म बा। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयो प्रभो गर्जना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जिंदगी के फलसफन के ज्ञान जितना तोहके बा शायद हमके नाही, लेकिन हम इतना जानत बानी जे दुनिया में हम आइल बानी तो जिए के पड़ी। तोह से प्रेम कही के भी राधा का ब्याह हमरे बेटा से हो गई और आज राधा अकेली बा। गोपी बेटवा, खाली दुख तकलीफ सही के जियल ना जा सकत। जीवन का जियब बड़ा कठिन बा। गोपी, हम सब इंसान हैं और हम तबे जी सकित जब हम एक दूसर का दर्द बांटें और आंसू पोंछें। देख बिटवा, राधा के दुख न तोसे देखल जाए और न हम सब से। यही खातिर हम सब ई फैसला कहले बानी कि राधा और तो के सदा सर्वदा खातिर एक कर दिहल जाए। हाँ गोपी, अब एकरे मांग में सेनूर भर के तू एकर अचरा खुशी से भर दे ताकि बच्ची के अपन जिंदगी से कौनो शिकायत ना रहे
कि एक किस्मत में दुख के सिवा और कुछ नहीं खेबा। भाऊजी। हाँ बेटा। राधा यहाँ। गोपी इला सिन्नूर राधा के मांग में भर दे, एक आपन जिंदगी में शामिल कर ला। भगवान का आशीर्वाद ले। दीन दुखी के भल बुरे के सबके भाग के सबके कर्म के लेख लिखैया हो प्रभु जी तू ही राम रमैया हो प्रभु जी तू ही किसने कन्हैया हो प्रभु जी तू ही राम रमैया हो प्रभु जी तू ही किसने कन्हैया हो। जिया का हाल तू जाना सबके जिया का